प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के नए रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और चीफ ऑफ डिफेंस सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में आज से जीएसटी परिषद की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक हुई शुरू। बैठक में पहली बार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने को लेकर भी होगी चर्चा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदेश में मनरेगा समेत सभी ग्रामीण विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश सरकार से किसानों को केंद्र में रखकर विकास करने का किया आग्रह। प्रदेश में लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में मौसम के तीखे हुए तेवर। कल रात से हुई तेज बारिश रुक रुक कर दिन में भी है जारी। सड़कों और घरों में जल जमाव से नागरिकों को हुई असुविधा। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि, समाचारों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों की बैठने की व्यवस्था है। ये भवन आधुनिक, सुरक्षित और काम करने में सुविधाजनक है। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सशस्त्र बलों के प्रमुख समेत तमाम गणमान्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा कार्यालय परिसर का भी दौरा किया। साथ ही उन्होंने सेना, नौसेना, वायुसेना और सिविल अधिकारियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिसर सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, संकल्प, सामर्थ्य और संस्कृति का प्रतीक होती है। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना की ये नए परिसर 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बने हैं और यहां हर तरह की सुविधाएं भी हैं। कोविड के चैलेंजेस के बावजूद निर्धारित समय में, मैंने एक साल के अंदर ही यह पूरा हुआ हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही रक्षा सशक्तिकरण का काम बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। यह तो अभी एक शुरुआत मात्र है और सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट की शुरुआत नेशनल वार मेमोरियल के साथ होना, मैं समझता हूं स्वयं इस प्रकार की आपकी दूरदर्शिता और हमारी सेनाओं के प्रति आपके कमिटमेंट को यह दर्शाता है।
लखनऊ में आज से जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक का आयोजन हो रहा है। कोविड 19 महामारी के बीच 20 महीनों तक वर्चुअल मीटिंग का दौर चलने के बाद अब लखनऊ में होने वाली परिषद की इस पूर्ण बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में कोविड 19 के पहले के फैसलों पर समीक्षा की जा सकती है। कई रिपोर्ट का यह भी कहना है कि जीएसटी काउंसिल में पहली बार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर भी चर्चा की शुरुआत हो सकती है। बैठक में आज पहले दिन अधिकारियों के स्तर पर वार्ता हो रही है तो कल 17 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल विभिन्न विषयों पर चर्चा कर अंतिम फैसले पर पहुंचने की कोशिश करेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज उत्तर प्रदेश में मनरेगा समेत सभी ग्रामीण विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने प्रदेश में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की प्रगति की मौजूदा स्थिति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। समीक्षा बैठक में गिरिराज सिंह ने प्रदेश में सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की जियो टैगिंग का निर्देश देते हुए प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि किसान कल्याण की योजनाओं में मनरेगा की उचित उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी निर्देश जारी किए कि किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, वृक्षारोपण और मनरेगा के तहत किए जाने वाले विकास के कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएं। बैठक में केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में 34 लाख मजदूर वापस आए, जिनमें से 14 लाख कर्मियों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। जो भी दें और आगे जो मान ले एक जॉब कार्ड होल्डर से उनके प्लांट नहीं हो रहे हैं तो मनरेगा के और जॉब कार्ड होल्डर को जोड़ दें जिसको वो काम कराएं। अगर प्रैक्टिकल बाजार का दर कुछ है तो वो बीच का दे देंगे जिससे मजदूर को भी फायदा और किसान को भी फायदा। और दूसरा, जब एनुअल वर्क प्लान बनाते ही हमारे एनुअल वर्क प्लान जब बने तो वो जरा एक व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया का बने जिसमें एमएलए, एमपी, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो इलेक्टेड होते हैं उनमें भी, उसका उद्देश्य ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो, पता ही ना चले कि क्या वर्क प्लान में हुआ क्या, और फिर जब जॉब क्रिएट हो तब भी इसको सोशल मीडिया पर डाला जाए। और एमपी, एमएलए, सारे लोगों को, जनप्रतिनिधि को, राजनीतिक दल को, और वर्क जब अलॉट हो तो जॉब कार्ड होल्डर का जॉब कार्ड होल्डर का नाम और मोबाइल नंबर रहे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने गोरखपुर में समाज कल्याण अधिकारियों और स्थानीय नेताओं और जनता के साथ मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में जो योजनाएं लागू की गई उसका फायदा हर वर्ग के लोगों को मिला है और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद अराजकता को खत्म किया है। कोरोना के समय में उन्होंने सराहनीय कार्य किया है, बहुत सारे गरीब लोगों को अनाज बांटने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के संबंध में अपना जनाधार बनाने के लिए एक बहुजन कल्याण यात्रा का आयोजन किया जाएगा और ये बहुजन कल्याण यात्रा 4 अक्टूबर से शुरू होगी और पूरे उत्तर प्रदेश के 17 मंडलों में जाकर लखनऊ में पहुंचेगी। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो गुंडाशाही थी उसको काफी खत्म कर दिया है और डैशिंगली काम करने वाले मुख्यमंत्री के माध्यम से उनका नाम है। कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे गरीब लोगों को अनाज बांटने का भी काम हुआ, दवा बांटने का भी काम हुआ, रेमडेसिविर देने का भी काम हुआ, उनको एडमिशन देने का भी काम हुआ और बहुत सारी मदद उनके माध्यम से हुई। और आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है लेकिन रोज 100-200 से अंदर के साथी है, तो एक बहुत ही अच्छा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कोरोना यहाँ वैसे खत्म हो रहा है तो एक अच्छी बात है कि कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम किया है।
जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, ऐसे लोगों को जमीन का पट्टा देने का भी काम उनके माध्यम से हुआ है। और अब मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में मौसम ने कल रात से करवट बदली और बदले तेवर के साथ हल्की से तेज बारिश शुरू हुई, जो आज दोपहर में भी लगातार जारी है। बारिश के तीखे तेवरों के चलते सड़कों और घरों में पानी भर गया है और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। बारिश का मौसम अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह बना रहेगा। लखनऊ के मलिहाबाद, माल, मोहनलालगंज आदि ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा के साथ हो रही बारिश के कारण एक ओर मौसम में जहां ठंडक आई, वहीं जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। जगह जगह खेतों में पानी भर गया है और अचानक हुई भारी बारिश के कारण धान की फसल बो चुके किसानों में खुशी छाई हुई है, लेकिन किसानों को ये डर भी बना हुआ है कि तेज हवा के कारण कहीं धान की फसल गिरकर खराब न हो जाए। मौसम विशेषज्ञों ने खेती के लिए इस बारिश को वरदान बताया है। इस बीच लखनऊ नगर निगम ने बीती रात से लखनऊ में हो रही भीषण बारिश के चलते जगह जगह हुए जलभराव और गिरे पेड़ों को तत्काल हटाने के लिए आदेश दिए हैं। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि भारी बारिश को देखते हुए लखनऊ शहर में मौजूद सभी 48 पंप स्टेशनों को चालू कर दिया गया है और जलकल विभाग को जलभराव पंप आउट करने के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बारिश की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग की भी मदद ली जा रही है, साथ ही सीवेज मैनेजमेंट की टीमों को भी लगाया गया है और उद्यान विभाग द्वारा भी जहां पर पेड़ गिर गए हैं या बिजली के खंभे गिरे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, इसको देखते हुए शहर के जो सभी 48 बाढ़ पंपिंग स्टेशन है सभी को चालू करा दिया है, सभी से पानी पंप आउट किया जा रहा है। इसके साथ ही कुकरेल में बैक फ्लो स्टार्ट हो गया था अत्यधिक बारिश की वजह से, तो इसको देखते हुए गोमती बराज के सारे गेट जो है उठा दिए गए हैं, उसको 1 मीटर ऊपर उठा दिए गए ताकि तुरंत से जो है जल निकासी नदी के माध्यम से हो जाए। इसके अलावा जलकल विभाग की टीमों को जहाँ पे लोकली पानी भर गया उसको पंप आउट करने के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है, फायर विभाग की भी मदद ली जा रही है और जो सीवेज मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भी इस काम के लिए जो है लगाया गया है, कहीं भी सीवेज कोई ब्लॉक ना हो जिससे पानी भरे। इसके अलावा उद्यान विभाग की टीमें भी सक्रिय हैं, जहाँ जहाँ पेड़ गिर गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं उनको तत्काल जो है हटाया जा रहा है। डीआरडीओ ओडिशा के ITR मिसाइल परीक्षण सुविधा केंद्र में 4 संविदा कर्मचारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ स्थित सैन्य खुफिया इकाई द्वारा उपलब्ध करवाए गए इनपुट के आधार पर ओडिशा पुलिस ने 14 सितंबर को ITR चांदीपुर ओडिशा में DRDO मिसाइल परीक्षण सुविधा केंद्र में काम करने वाले 4 संविदा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। 4 संदिग्धों की पहचान बसंत बेहरा, तुलू बेहरा उर्फ प्रकाश बेहरा, शेख मुसाक उर्फ मूसा और हेमंत मिस्त्री के रूप में हुई है। ये सभी ITR चांदीपुर के AC और जनरेटर पंप सेट में सुविधा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने मौद्रिक लाभ के बदले पाकिस्तान में ISI से जुड़े लोगों को कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी उपलब्ध करवाई थी। ओडिशा पुलिस ने उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महाराजगंज में भाजपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में केंद्र एवं प्रदेश सरकार के पिछले 4.5 साल के विकास की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी के नेतृत्व में चल रही सरकार और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और 4.5 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दोनों सरकारों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विकास की योजनाएं पहुंचाई हैं। पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और 4.5 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और दोनों सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारे विकास की किरणें पहुंचे
उस दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 वर्ष से और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में सरकारों ने जिस तरह से कार्य किया है उससे जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि सरकारें जनता के लिए होती हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना आज आगरा के सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में व्यावसायिक प्लॉट लेने वालों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन 4 वर्षों में बड़ा परिवर्तन हुआ है और आज 10 गुना से ज्यादा लोग आवेदक हैं। इससे पता चलता है कि आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने का माहौल है और 2.5 से 3 लाख करोड़ का निवेश विगत 4 वर्षों में हुआ है। उन्होंने कहा कि आगरा का जूता लेदर उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है और एक जिला एक उत्पाद के तहत परंपरागत उद्योगों को पहचान दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विगत 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और 7 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार से काम कर रही है उसमें जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है कि सरकारें जनता के लिए होती हैं। 2017-18 में जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्लॉट होते थे, अगर 10 प्लॉट होते थे तो 2 लोग लेने वाले नहीं होते थे। ढूंढते थे, अरे इंडस्ट्रियल प्लॉट खाली पड़े, कोई लेने वाला नहीं है। इन 4 सालों के अंतर्गत इतना परिवर्तन आया, यदि आज हमारे पास 10 प्लॉट हैं तो 10 गुना ज्यादा लोग एप्लीकेंट्स हैं। इसका मतलब उनको दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने का एक माहौल है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितनी तेजी से विकास हुआ, मैं यही इंडस्ट्रीज का जिस प्रकार से विकास, मैंने कहा आज अगर प्रदेश की 10 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं तो उसमें से 5 इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की इसलिए आती है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको करके दिखाया है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्यमियों के बीच में और सरकार के बीच में एक जो विश्वास बढ़ा है उसके कारण आज यहां पर इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से आ रही हैं और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट विगत 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आया। आगरा में भी जूता लेदर उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा में कुछ विशिष्ट प्रकार की निगरानी माननीय उच्चतम न्यायालय करता है, उच्चतम न्यायालय NGT के माध्यम से हुआ, लेकिन फिर भी जो भी यहां पर परंपरागत उद्योग थे वो ODOP के अंतर्गत यहां पर उसकी पहचान दी गई और उसमें सरकार के द्वारा पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग की जा रही है। और यहां पर अभी हमने इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से 1,000 एकड़ का डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है। समूचे ब्रज मंडल मथुरा के बरसाना में श्री राधा रानी का जन्मोत्सव श्रद्धा भक्ति और सादगी पूर्वक मनाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। इस बार राधाष्टमी पर श्रद्धालु जन्मोत्सव, देश विदेश के लाखों श्रद्धालु राधा जी के अभिषेक के साक्षी बने, लेकिन इस बार मंदिर के सेवायत और सुरक्षा कर्मी ही जन्मोत्सव में शामिल हुए। राधाष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे श्री राधा रानी के विग्रह का अभिषेक किया गया। यहां संपूर्ण ब्रजमंडल के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, ठाकुर प्रियकांत जी मंदिर, अक्षय पात्र के चंद्रोदय मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने राधाष्टमी का पर्व मनाया। यहां हर तरफ जश्न, हर तरफ राधा रानी की जय के जयकारों से ब्रजमंडल गुंजायमान हो गया। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आयसना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल कुमार मिश्र ने इस बात पर चिंता जताई है कि उन्नाव में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में सलिल मिश्र ने कहा कि बुखार और मलेरिया से बड़ी संख्या में बच्चे भी प्रभावित हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर बुखार, मलेरिया और डेंगू के मरीजों की पहचान करनी चाहिए और प्रभावित लोगों को उचित उपचार उपलब्ध करवाना चाहिए। सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत होने वाले बदलावों का असर अब पूरी तरीके से प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रगति देखने को मिल रही है। बड़ी चौड़ी सड़कें, वाहनों के लिए कई फ्लाईओवर और शहर का सौंदर्यीकरण अहम बदलाव है। संगम नगरी में 32 करोड़ की लागत से कलश स्वरूप में स्मार्ट सिटी का हाईटेक ऑडिटोरियम प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव के लिए 12,000 गज जमीन दी गई है। इस ऑडिटोरियम में लगभग 1500 लोगों की व्यवस्था होगी।
32 करोड़ की लागत से बनने वाली ऑडिटोरियम का निर्माण 18 महीने में कराने की योजना है। स्मार्ट सिटी कंपनी शहर के 75 चुनिंदा क्षेत्रों में साइकिल स्टेशन स्थापित करेगी, जहां 750 साइकिलें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन स्टेशनों से शहरी साइकिल लेकर भ्रमण कर सकेंगे। इससे वातावरण और शारीरिक सेहत के मद्देनजर ये योजना उपयोगी साबित होगी। पिछले 1-1.5 साल में जितना भी इलाहाबाद में स्मार्ट सिटी को लेकर के कार्य हुआ है वो बहुत सराहनीय है। ये सड़कें जो पहले कभी बहुत छोटी होती थी, आज कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो चुकी हैं। जो हमारे शहर में पहले एक फ्लाईओवर था, आज हमारे शहर को 9-9 फ्लाईओवर जो है मिले हैं। इन सड़कों की चौड़ीकरण के साथ साथ सरकार ने यहाँ की लाइट्स और ग्रीनरी का भी बहुत ध्यान रखा है और आगे भी कार्य काफ़ी जो है जारी है स्मार्ट सिटी को देखते हुए। प्रयागराज स्मार्ट सिटी में आ गया है और उसके तहत काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, शहर में कुछ नहीं हो रहा था, अब काफ़ी ओवरब्रिज बन गए हैं और 1-2-3 ओवरब्रिज बन जाने की वजह से क्या है कि अब वो जाम नहीं लगता इलाहाबाद शहर में। चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, जो हमारे चौराहे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, जिससे काफ़ी देखने में भी सही है और जो जाम की प्रॉब्लम होती थी अब वो प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ संगम में सफाई व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है और यह है कि काफ़ी अच्छा स्पेस दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो सफाई व्यवस्था होने के कारण साफ़ सुथरा दिखाई पड़ रहा है और संगम जो इलाहाबाद की प्रयागराज की शान है वो अलग ही दिखाई पड़ रहा है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 76,57,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 64,51,000 से अधिक टीकों की खुराकें दी गई। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 30,570 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 38,303 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.64% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,42,923 है। लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना अपने उद्देश्य में सफल हो रही है। प्रदेश के मुरादाबाद में भी सरकार की इस महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर हजारों लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है और सैकड़ों महिला पुरुषों को अब भी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को कैसे अपने उत्पाद को बेहतर बनाएं, इसकी हर छोटी से छोटी जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही सरकार की कौन सी योजना उनके काम आ सकती है, इसकी भी पूरी जानकारी एक छत के नीचे ही प्रदान की जा रही है। वहीं प्रशिक्षुओं महिला प्रशिक्षण लेकर खुश हैं, सरकार को योजना के लिए धन्यवाद कर रही हैं। यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा था, जैसे कि हम पाउडर कोटिंग में भी गए थे, लेकर में भी गए हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने 10 दिन का प्रशिक्षण लिया है और यहाँ जो योजना है वो इसके लिए कर रखा है, पाउडर कोटिंग और लैक्मे का करवा रखा है। हम अपना काम करना चाहते हैं और अपने जो काम है ये सिखाया गया हम खुद अपना खोलना चाहते हैं। हम ये सब ये योजना जो निकाली है सब सरकार ने अच्छी तरीके से निकाली है महिलाओं के लिए और अच्छी तरीके से आगे बढ़ने के लिए करने के लिए। मैं धातु हस्तशिल्प का प्रशिक्षण ले रही हूँ, 10 दिवसीय पीतल लंगड़ी हैंडीक्राफ्ट सेंटर से, जो कि प्लेटिंग निकल करने के लिए कि कैसे लोहा को कॉपर बनाते हैं, जंक नहीं लगे इत्यादि। हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, हमें यहाँ पाउडर कोटिंग लैक्रीन सिल्वर प्लेटिंग वगैरह सब सिखाया गया है। हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने लेडीज़ को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया और हम उसमें अपना पूरा सफल योगदान देंगे जो हमसे हो पाएगा। जनपद बलरामपुर में आयोजित पोषण पंचायत कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश महिला आयोग सदस्य द्वारा लोगों को पोषण शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 6 माह के बच्चों का अन्नप्राशन तथा कुपोषण से मुक्त हुए बच्चों को पुष्टाहार प्रदान किया गया।
बलरामपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा किशोरियों, बच्चों और महिलाओं में कुपोषण दूर करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उतरौला में आयोजित पोषण पंचायत में विभिन्न स्टॉलों के द्वारा पोषण थाल के माध्यम से महिलाओं को कुपोषण समाप्त करने के बारे में जागरूक किया गया। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के घरेलू सामानों के द्वारा कुपोषण दूर करने के बारे में जानकारी दी गई और घर पर ही विभिन्न पोषक व्यंजन बनाने के बारे में बताया गया। महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए योग के बारे में बताया गया। महिला आयोग सदस्य सुनीता बंसल ने कहा कि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, जिसके सुधार के लिए बाल विकास और पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य विभाग सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि जिले में कुपोषण में काफी कमी आई है। इससे जो गर्भवती महिलाएं हैं, एक तो उनको ये मालूम हो रहा है कि हमें, जब हम गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए जिससे जो बेबी है वो स्वस्थ पैदा हो, तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पोषण जो माह चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। यहाँ पर हम जो हमारा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, उसका हम उद्देश्य दे रहे हैं और स्टॉल के माध्यम से ये बता रहे हैं कि कैसे आपको खान पीन करना है और क्या क्या बच्चों को खिलाना है, कैसे उनकी परवरिश करनी है, समय पे उनका वजन कराएं, टीकाकरण कराएं और विभिन्न प्रकार की रेसिपी बनाकर हम लोग उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और माँ को ये बताती है कि अब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और आपको उस दूध के साथ साथ पौष्टिक आहार की आवश्यकता है और उसको समय समय पर कितना उसको खाना चाहिए, कब देना है, हैंड वॉशिंग कराना, साफ सफाई के बारे में उसको जागरूक करती है। देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल द्वारा असम के तेजपुर से दिल्ली के लिए निकले एसएसबी के 68 अधिकारी और जवान साइकिल रैली के साथ देश के विभिन्न दुर्गम रास्तों से होकर 2384 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेंगे, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। महाराजगंज जनपद से होते हुए यह रैली बस्ती जनपद के लिए रवाना हो गई। फरेंदा से बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह और सिसवा के बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल ने झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। वहीं रैली में शामिल जवानों ने जनपद के फरेंदा क्षेत्र के हरपुर निवासी, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान शहीद पंकज त्रिपाठी की पत्नी रोहिणी त्रिपाठी और उनके बच्चों से मिलकर उन्हें सम्मानित किया। 22वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोज सिंह ने बताया कि रैली का उद्देश्य अनेकता में एकता के इस संदेश के साथ सभी भारतवासी एक साथ मिलकर इस देश को मजबूत बनाए। ये बहुत ही पुण्य का काम है और आज आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पे हमारे देश के एसएसबी के नौजवानों ने जो ये साइकिल यात्रा के माध्यम से देश में एक जो संदेश दिया है, वो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज हमारे विधानसभा के क्षेत्र में यह साइकिल यात्रा पहुंची है और उस पहुंचने के अवसर पे मैं व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आज इस साइकिल यात्रा का स्वागत भी किया हूं। जैसा आप सबको विदित है कि देश और बंद में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के नए रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और चीफ ऑफ डिफेंस सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में आज से जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय पूर्ण बैठक की हुई शुरुआत। बैठक में पहली बार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने को लेकर भी हो सकती है चर्चा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदेश में मनरेगा समेत सभी ग्रामीण विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश सरकार से किसानों को केंद्र में रखकर विकास करने का किया आग्रह। प्रदेश में लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में मौसम के तीखे हुए तेवर। कल रात से हुई तेज बारिश रुक रुक कर दिन में भी है जारी। सड़कों और घरों में जल जमाव से नागरिकों को हुई असुविधा। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।